हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उर्मिला। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। और आज हम बात करने वाले हैं हाइबिस्कस टोनर या हाइबिस्कस फेस वाटर के बारे में। हिंदी में हाइबिस्कस को गुड़हल भी बोलते हैं। सो फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। एक्चुअली मेरे पास इसकी कली रह गई है। जो फ्लावर्स थे उसका मैंने ऑलरेडी टोनर बना दिया है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। मेरे पास जो है वो क्रीमिश कलर में है और बीच में रेड कलर का कुछ ऐसा होता है। और इसका जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ये वाला, कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। और ज़्यादातर ये रेड कलर में होता है। फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। इट्स something looks like this. So this was an hibiscus flower. ये गुड़हल कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कि आप सबको पता है कि रोज का हमारे स्किन केयर रूटीन में बहुत ही ऊंचा तख्त है, उसी की तरह हाइबिस्कस भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे स्किन के लिए हाइबिस्कस बहुत ही बेनिफिशियर है और ये बात हमारे एंसेस्टर को बहुत ही जल्दी पता चल गई थी। इसलिए आयुर्वेदा में हाइबिस्कस के बारे में बहुत सारे बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं और उसकी बहुत ही लंबी लिस्ट है हाइबिस्कस के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती आपका और ये वीडियो मैं बहुत ही स्वीट और शॉर्ट सा बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ थोड़े से बेनिफिट्स इसके गिना देती हूँ। जैसे कि हाइबिस्कस में विटामिन ई और सी होता है। जो विटामिन सी है वो हमारे स्किन केयर, हमारे स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ही काम आता है। और हाइबिस्कस है वो स्किन एजिंग को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। द रीज़न बिहाइंड इज कि क्या होता है ना कि हमारे स्किन को बहुत सारा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, हमारे स्किन पर बहुत सारा मॉइस्चर रहना चाहिए ताकि ये स्किन हेल्दी रहे। लेकिन आजकल के हमारे लाइफस्टाइल जिसमें हम पानी पीना भी बहुत बार भूल जाते हैं या फिर स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस केस में आप जो ये हाइबिस्कस वाटर है वो फेस के ऊपर थोड़ा सा स्प्लैश कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। सो नाउ लेट्स मेक हाइबिस्कस टोनर, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है और फिर उसे हाइबिस्कस फ्लावर से जो अच्छे से वॉश कर दी है और उसको मैं कट कर रही हूँ सीजर से। और अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़े से हाइबिस्कस फ्लावर ऑलरेडी कट करके रखे थे, वो मैंने डाल दिए है। और अभी एक ग्लास वाटर इसमें ऐड कर दूंगी और अभी मैं इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट्स तक बॉयल करूंगी जब तक पानी जो है वो हाफ ना हो जाए। और अभी मैं इसे स्टेन करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसे स्टेन करूंगी ओनली हाफ ग्लास जितना पानी रहेगा। अभी एक स्पून एलोवेरा ऐड कीजिए, आप इसे फ्रेश एलोवेरा भी ऐड कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लीजिए तब जब तक ये एलोवेरा अच्छे से घुल ना जाए। और इसमें आप रोज़ वाटर डाल सकते हो एक दो स्पून जितना, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, दैट इज़ हाइबिस्कस वाटर, रोज़ वाटर और एलोवेरा। और अभी मैं इस स्प्रे बॉटल में इसे फिल आउट कर दूंगी। आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो पानी है वो अच्छे से ठंडा हो जाए ताकि जब भी हम डालें तब प्लास्टिक स्प्रे बॉटल ख़राब नहीं हो जाए। और बस मैं इसे इसमें डाल दूंगी। और तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक भी कर दीजिए। ऑल्सो शेयर योर वैल्यूबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अभी ये हमारा हाइबिस्कस वाटर है वो रेडी हो चुका है, इट्स रेडी टू यूज़। आप बस इसे जब भी चाहे तब आपके फेस के ऊपर ऐसे स्प्रे कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। सो लेट मी शो यू हाउ टू यूज़ दिस हाइबिस्कस टोनर। हाइबिस्कस टोनर को आप डायरेक्टली फेस के ऊपर ऐसे स्प्लैश कर सकते हो लाइक दिस और आप इसे थोड़ी देर के लिए रख सकते हो। ये स्किन में बहुत ही अच्छे से उतर जाएगा, बहुत ही अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से बेनिफिट्स देगा। या फिर अगर आप कहीं पे बाहर हो और आपको इसे ऐसे ही नहीं रखना है, उस केस में आप ऐसा कोई टिश्यू, क्लीन टिश्यू लेकर भी आप इसे क्लीन कर सकते हो या फिर एक नैपकिन से भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे ही रखना पसंद है। और इफ़ इन केस आपने बहुत ही मिनिमल सा मेकअप किया है और अगर आपको वो मेकअप भी रिमूव करना है तो फिर आप थोड़ा सा और स्प्लैश करके और फिर एक क्लीन सा टिश्यू लेके आप इसे रिमूव कर पाओगे। मैंने अभी मेकअप नहीं किया है सो इट्स ओके, मुझे तो ऐसे ही चलेगा और मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है। इसकी खुशबू भी बहुत पसंद है। वैसे तो हाइबिस्कस का बहुत ही स्ट्रांग फ्रेग्रेंस नहीं होती है लेकिन हमने इसमें रोज़ वाटर डाला है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी दे रहा है एंड इट फील्स वेरी रिफ्रेशिंग। ट्रस्ट मी, यू शुड रियली ट्राई दिस आउट। और ये जो हाइबिस्कस वाटर है आप इसे ईजिली एक वीक से लेके 15 डेज तक आप इजीली इसे रख पाओगे और तब तक तो ये फिनिश भी हो जाता है।
So this was all about hibiscus and hibiscus toner. So if you like this video, please like, share, subscribe to my channel. Till that, bye bye, take care.